हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, और मेरे प्यारे माँ पुरुषों को प्यार भरी धन निरंका। ओ सुनाइए, आप लोग कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। और डियर, अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि कोविड बहुत फैल चुका है, चारों तरफ बहुत ही बुरा हाल है। पता नहीं क्या होगा इस पैंडमिक का, गॉड नोज की जाएगी नहीं जाएगी। और अभी दूसरी लहर, और जो तीसरी लहर के बारे में बातें हो रही हैं जो आएगी, बच्चों को इफेक्ट करेगी, सोच सोच कर मन परेशान हो रहा है। और न्यूज़ देखो तो मन और भी परेशान होता है, कुछ करने को मन नहीं करता है, खाना बनाने को मन नहीं करता है। पता नहीं मेरे साथ ही है या किसी और के साथ भी ऐसा है। कुछ दिन मेरे को ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कैसे चल रही हैं, कि कुछ भी करने को मन नहीं करता है। बॉडी ऐसी रहती है कि बस परेशान सोच सोच के, शरीर जैसे जान नहीं है, बस लेटे हैं। और मन में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते हैं, अभी हस्बैंड बाहर गए हैं, और कोई एक डर सा बना रहता है चारों तरफ देख देख कर कि क्या हो रहा है। और मैंने तो अब न्यूज़ देखना छोड़ ही दिया है, क्योंकि उस न्यूज़ देखकर ज़्यादा मन परेशान होता है। और मेरे ख्याल से सभी के साथ ऐसा ही हो रहा होगा। और इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं, पर अब इंजेक्शन भी कई जगह पर ऐसा हो रहा है कि कमी हो गई है। न्यूज़ में देखा ही होगा आप लोगों ने भी। इस करके जितना हो सकता है अपनी प्रोटेक्शन लें, मास्क लगाएं, जो भी हमारे लिए बेस्ट है। अपने बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें बाहर ना निकलने दें, और आप भी ना निकलें, अगर बहुत ज़रूरी है तभी निकलें। क्योंकि जितना हम अपना ध्यान रख सकते हैं, हमारे हाथ में है, वो तो हम कर ही सकते हैं ना। क्योंकि आपको पता है हॉस्पिटल में बेड भी अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, और क्या करें पता नहीं। और कुछ खबरें इधर उधर से सुनकर, एक्चुअली मेरा मन तो वैसे ही बहुत परेशान है। हमारे फैमिली में किसी की जवान डेथ हो गई है, जिसकी वजह से घर का माहौल बड़ा अजीब सा हो गया है। सोच सोच कर कि ये क्या हो रहा है। उनके एक्चुअली दो बच्चे हैं, वो छोटे हैं अभी, और जिनकी डेथ हुई है वो भी 32-33 ईयर्स के ही हैं, ज़्यादा नहीं उम्र के थे। और डियर, यही कहूँगी कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि जो ये महामारी फैली हुई है, इसको देख देख कर मन बहुत परेशान होता है। और जो जवान डेथें होती हैं उनको देख कर और भी होता है। और जैसे कि मैंने बताया, हमारी फैमिली में डेथ हुई है जवान, तो वो थोड़ा मन परेशान है। वो एक्चुअली अभी जिनकी डेथ हुई है वो 32 ईयर्स के होंगे शायद, और उनके बच्चे भी छोटे हैं, एक 4 मंथ का है और एक 7 ईयर्स का है। तो उनका क्या होगा, ये सोच सोच कर मन बहुत परेशान होता है। चाहे फैमिली वाले जितने भी हों, बट जो एक हस्बैंड होता है, एक बाप होता है, उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है डियर। और वो बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, वो उन और एक तो जो 4-5 महीने का, उसको तो पता ही नहीं है मेरा फादर क्या चीज़ है, उसे तो पता ही नहीं है। और मेरे को तो किसी की भी डेथ देख कर डियर अपने फादर याद आ जाते हैं। और मेरे जीजा जी, वो अब दिसंबर में पूरे हुए थे, और जो मेरे फादर हैं वो अप्रैल में, उनके मरने के 3-4 महीने बाद ही डैडी पूरे हो गए थे मेरे। तो ये सोच सोच कर मन बड़ा परेशान होता है मेरे को। उनका वो सब होता है, मेरी सिस्टर अभी भी अच्छी तरह संभली नहीं है, और जबकि साल हो चुका है इस बात को। तो जब भी ये माहौल बनता है तो दीदी को पैनिक अटैक की तरह कुछ होने लग जाता है। तो ये सोच कर मन बड़ा परेशान होता है, मेरे दिमाग में वही बातें घूमने शुरू हो जाती हैं। और मैं जितना चाहे ये अवॉइड कर लूँ कि इस बारे में मैं मत सोचूं, बट कहीं ना कहीं से ऐसी खबर आ जाती है कि नेचुरली माहौल बन जाता है घर का। और मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके अपना ध्यान रखो, रब को याद करो, अरदास करो उसके आगे हाथ, कि ये जो महामारी है जल्द से जल्द हमारे देश से, ऑल ओवर द वर्ल्ड से चली जाए, ताकि एक हम जो अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी सके जो हम पहले जी रहे थे। यही कहूँगी कि जितना ध्यान हो सके, जितनी प्रोटेक्शन हो सके ले, ताकि आपके अपने सुरक्षित रहें, बाकी भगवान के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। क्योंकि जो लिखा है वही होगा, पर एक कोशिश तो हमें करनी चाहिए ना कि हम प्रिकॉशन लें और हम सेफ रहें सके, बाकी उस रब की मर्जी, जो होना होगा वो हो जाएगा। पर एटलीस्ट ये तो होगा ना कि प्रोटेक्शन ली है, सब कुछ सेफ था, चलो जी लिखा था ऐसा, यही कहकर इंसान को हम दिलासा दे देते हैं, और उस रब के आगे किसी का जोर नहीं चलता है।
तो बस थोड़ा मन परेशान है। तो आप मेरे व्लॉग भी देख रहे होंगे कि इतना कुछ रूटीन का नहीं है बाहर का, क्योंकि बाहर कहीं जाना ना खास इतना हो नहीं रहा है। डेली रूटीन ही है, मैं क्या सभी यूट्यूबर ही ऐसे डेली रूटीन ही शेयर करें, और अच्छी बात भी है क्योंकि बाहर जाना सेफ नहीं है। बाकी अभी मेरा काम बिखरा पड़ा है, कुछ भी नहीं किया, और आपको मैं भी दिख रही होंगी भी कुछ लगाया नहीं है, तैयार नहीं। मैं घर में ऐसे ही बन के रहती हूँ, कभी ही लगाती हूँ, सिंपल रहती हूँ मैं, ऐसे कोई मेकअप वगैरह करके घर में नहीं रहती हूँ। तो कभी हुआ कि लगा लिया, अदरवाइज़ मैं ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ, कहीं जाना हो तभी। घर में तो आपको पता ही, और गर्मियों में तो वैसे ही पसीने वगैरह से बुरा हाल हो जाता है किचन वगैरह में। तो बस मैं चलती हूँ, काम करती हूँ, और आप भी मेरा डेली रूटीन मेरे साथ साथ देखिए मैं क्या कर रही हूँ, और भी यार अपना ध्यान रखिए जितना हो सके। हाँ जी फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ घिया, और तेल मेरा गर्म हो चुका है। मैं डालूँगी इसमें हींग, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी डालूँगी, और ये जीरा, और साथ में डालूँगी थोड़ा सा लहसुन। मुझे तो घिया बहुत पसंद है, कुछ लोगों के घर में घिया बिल्कुल नहीं बनता है, कम पसंद करते हैं, पर हमारे घर में पसंद है सभी को, क्योंकि तो एक ग्रीन वेजिटेबल और हल्की फुल्की है। और मैं इसमें अदरक वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, समर की सब्जी है, गर्मी शुरू हो चुकी है आपको पता ही है, तो सिर्फ लहसुन ही डालूंगी, थोड़ी सी नामात्र ही डाली, मैंने ज़्यादा नहीं डाली। और यहाँ लहसुन हो चुका है, यहाँ मैं डाल दूँगी प्याज, कुछ लोग लंबे लंबे प्याज डालते हैं घी में रस मिश्रण जैसे कह लो, और कुछ लोग घी में गाढ़ी एक दो प्याज भी डालते हैं, मैं तिखे की डालती हूँ, लंबे डाल कर भी कभी बना लेते हैं और कभी ऐसे भी बना लेते हैं। और यहाँ पर है टमाटर, एक ही टमाटर लिया मैंने, ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि ज़्यादा टमाटर लेने से फिर घी खट्टी हो जाती है, क्योंकि थोड़ी सी हो जाती है बनकर। और ये मैंने हरी मिर्च पीस करके इसका पेस्ट बनाया है, मैं हरी मिर्च ही सब्जी में डालूंगी। और यहाँ पर प्याज भुन रही है, अगर आप घी को टेस्टी बनाना चाहते हो थोड़ा सा और, तो उसमें थोड़ा सा दूध और मलाई डाल लो, जिससे कि घिया और भी टेस्टी हो जाता है, बट मैं नहीं डालूंगी, कुछ नहीं डालूंगी, मैं सिंपल ही बनाऊंगी, ऐसे भी टेस्टी लगती है, पर आपको भी वो भी ट्राई करना, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। और मैं इसमें न्यूट्री भी नहीं डालूंगी, वैसे मैं सोयाबीन की बड़ी या मसाले वाली एक बड़ी डाल लो तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, पर अभी मैं कुछ नहीं डालूंगी, सिंपल घिया ही बनाऊंगी। वो कहते हैं सिंपल घिया ही बनाओ, घिया बहुत अच्छा होता है और इसमें इम्यूनिटी के लिए बहुत ही फायदेमंद है हमारी ये, क्योंकि जो चीज़ें फ़ायदेमंद होती है वो बच्चे कम पसंद करते हैं, घिया, तोरी, कद्दू, ये चीज़ें बच्चे कम पसंद करते हैं, आप लोगों को पता ही है। और कौन किस किस ढंग से घिया बनाता है मुझे पता ना, कुछ लोगों को बिल्कुल सूखी पसंद है और कुछ लोग थोड़ी रस्मी सीसी रखना पसंद करते हैं, तो मैं ठीक ही रखूँगी, ज़्यादा सूखी भी नहीं रखूँगी, क्योंकि खड़ी खड़ी घिया नहीं खाते हमारे, थोड़ी घुली घुली ही खाते हैं, तो मैं ठीक ठाक ही रखूँगी, एकदम घुली भी नहीं रखूँगी और एकदम खड़ी भी नहीं रखूँगी। और यहाँ मैं डालूँगी टमाटर और ये हरी मिर्च, हमारे ज़्यादा हरी मिर्च ही यूज़ करते हैं पिसी हुई, लाल भी डाल लेती हूँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस हरी मिर्च को देते हैं, क्योंकि लाल थोड़ी ख़राब करती है आपको पता ही है। और तड़का हो गया, मैं डाल लेती हूँ घिया,
पानी नहीं डालूंगी और इसकी ऐसी सीटी लगा दूंगी क्योंकि घी अपने आप ही पानी छोड़ देता है। मैंने ढक्कन लगा दिया है और दो तीन सीटी में घिया पक जाएगी अच्छे से, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये धनिया मैंने काट कर रखा हुआ है इसमें डालने के लिए, तो जब तक मैं बनाती हूँ रोटी। और ये मेरी घिया बन चुकी है, आप देख सकते हो मैंने थोड़ी सी रस में से रखी है, ज़्यादा नहीं रखी है, हमारे थोड़ी ऐसे ही पसंद करते हैं, ज़्यादा सूखी पसंद नहीं करते हैं। और धनिया डाल दिया है और यहाँ एक खीरे धोकर रखे मैंने, हस्बैंड ने खीरे लिए थे अभी क्योंकि समर में खीरे के सलाद के बिना, और यहाँ पानी भर गया बंद करूँ मैं क्योंकि खीरे के बिना रोटी खाने का मज़ा नहीं आता है समर में। और बस यहाँ सब्जी में हो चुकी है, कर दूँगी मैं बंद, मैंने कुकर में से इसमें निकाल दी थी और वहाँ पर अब काटती हूँ मैं खीरा और आप सुनते थोड़ी देर में। और मैं काम कुम कर हो चुकी हूँ फ्री और अभी बैठी हूँ, बस आपसे यही कहूँगी कि बस आज इतना ही व्लॉग था, इस वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और मेरे प्यारे माँ खुशों को प्यार भरे धन निरंकार। हंसते रहो, बसते रहो, सदा खुश रहो, अपना ध्यान रखो, अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रखो क्योंकि घर में बुज़ुर्ग है तो रौनक है। और जितना हो सके अपने घर के अंदर ही रहो, ज़रूरत हो तो तभी बाहर निकलो, अदरवाइज स्टे होम, स्टे सेफ।